हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा फायरवुड प्लांट, देखिए ये हमें बता रहा है कि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ऑर्गेनिक एनपीके। तो ऑर्गेनिक एनपीके आप कैसे घर में घर की ही चीज़ों से कैसे बना सकते हैं, आज मैं बताऊंगी आपको अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो पे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक एनपीके बनाने के लिए हमें ले लेना है 5 लीटर पानी। और 5 लीटर पानी में हमें क्या करना है, हमें ले लेना है 250 ग्राम गुड़। तो ये मैंने 250 ग्राम गुड़ ले लिया है, जो क्या मैंने अच्छे से तोड़ दिया है, और इसे तोड़ के हम पानी में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या लेना है, इसके बाद हमें लेना है गोबर, ताज़ा गोबर, जो क्या हमें लेना है 1/2 किलो। तो ताज़ा गोबर अगर आपके पास नहीं है तो आप ये लगभग 1/2 कंडा ले लें, जिसे उपला भी बोलते हैं। लेकिन जो अच्छे रिज़ल्ट हैं वो ताज़े गोबर से ही मिलते हैं, और गोबर भी गाय का होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आप ताज़ा गोबर लें, अगर नहीं मिल पाता तो ही आप ये कंडा लें। तो अब हम इसमें मिला देंगे ये ताज़ा गोबर। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें इस गोबर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जब आपका गोबर अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्रेंड्स, अब हमें ले लेनी है मिट्टी। मिट्टी लगभग मैंने 1/2 किलो भी मिट्टी ली है। फ्रेंड्स, मिट्टी खेत की होनी चाहिए, आप कोशिश करें या तो आपके गार्डन सोइल हो या फिर खेत की मिट्टी हो, कोशिश करें कि खेत की मिट्टी हो। क्योंकि फ्रेंड्स, हम एनपीके बना रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। तो फ्रेंड्स, एनपीके हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैंने इसमें मिट्टी मिला ली है, और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसे हमें छाया में 1 हफ्ते के लिए डिकम्पोज्ड होने के लिए रख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें इसे यूज़ करना है 1 हफ्ते बाद। तो 1 हफ्ते बाद मैं बता देती हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। आपको 5 लीटर पानी में 100 ml ये एनपीके लेना है, और अपने फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और वेजिटेबल के प्लांट्स में इसे डाल देना है। इंडोर प्लांट्स में इसे आपको नहीं डालना है, और कोई भी फर्टिलाइज़र देते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पौधे की मिट्टी सूखी हो और गुड़ाई की हुई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऑर्गेनिक एनपीके। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।